खरगोन जिले की झिरनिया तहसील के तलावड़ी के ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि गांव में कई वर्षों से बिजली नहीं होने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई की बात पर छात्रों का भविष्य भी अंधकार में है। इस दौरान ग्रामीणों ने समस्या का त्वरित निराकरण करने की बात की और उग्र आंदोलन की चेतावनी देकर ज्ञापन सौंपा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम सीमा ब्राह्मणे। कहाँ से क्या समस्या लेके आए? तहसील झिरनिया तलावड़ी से आए हैं। हमारे गांव में लाइट नहीं है, बहुत परेशानी से जी रहे हैं हम लोग। तो इसी वजह से हम आए हैं कि ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर ऑफिस में। बहुत दिनों से हम बार बार यहां पर आ रहे हैं पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए हम ज्ञापन करने आए। अगर नहीं होता है तो और हम कार्रवाई करेंगे। अरे, दो साल पहले लाइट थी क्या? नहीं, लाइट नहीं थी। लाइट गाँव में है नहीं? है नहीं भाई, लाइट ही नहीं है गाँव में। कितने परिवार रहते हैं वहाँ? तो बहुत 90 मकान है वहाँ पर अभी गाँव में, लाइट ही नहीं है। तो फिर जैसे आटा वगैरह पिसवाना हो तो कहाँ जाते आप? वो उधर दूसरे गांव में जाना पड़ता है, गोगर गांव जाना पड़ता है। जैसे भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं, हाँ, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो पढ़ाई नहीं हो रही सर। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ 24 घंटे वाली लाइट चालू करवाए महोदय जी से, हम यही चाहते हैं सर। और क्या कि अभी ऑनलाइन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई करो, और हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट है अभी पढ़ाई करते हैं, अधूरी पढ़ाई है, अभी तक पढ़ाई नहीं हो पा रही है हमारे। तो समस्या हल नहीं होगी तो क्या करोगे आप लोग? हम आंदोलन करेंगे अगर ये पूरा हमारा काम नहीं होता है तो। हमारी मांगे यही है हमारी। क्या नाम है आपका? सीमा ब्राह्मणे। कहाँ से है? तलावड़ी से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।